नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अनाउंस कर दिया स्टॉक बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड। सो बात करते हैं पहले शेयर की। शेयर का नाम है एनआरबी बेयरिंग्स लिमिटेड। शेयर प्राइस है 281.10 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी ने 3.58% की करेक्शन दिखाई है, -10.45 रुपीज हुआ है। तो इस शेयर ने फाइनली डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, इंटरम डिविडेंड जो की है 2.50 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर पे इंटरम डिविडेंड दे दिया जाएगा 2.50 रुपीस का, और इसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 16th of October 2024 है। अगला शेयर है पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। शेयर प्राइस है 1814.70 रुपीस पर शेयर। इस कंपनी ने 5% की करेक्शन दिखाई है, -95.50 रुपीस हुआ है। सो बात करते हैं इस शेयर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। तो इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया स्टॉक स्प्लिट 1:2 का। आपके हर एक शेयर स्प्लिट होके दो शेयर हो जाएंगे, और इसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 16th of October 2024 है। अगला शेयर है रगनीश रिटेल लिमिटेड। शेयर प्राइस है 63.82 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी ने 2.58% की करेक्शन दिखाई है, -1.69 रुपीज हुआ है। तो बात करते हैं इस शेयर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। तो इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया स्टॉक स्प्लिट 5:1 का। आपके हर एक शेयर स्प्लिट होके 5 शेयर हो जाएंगे, और इसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 11th of October 2024 है। अगला शेयर है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। शेयर प्राइस 154.75 रुपीस पर शेयर। इस कंपनी ने 4.797% की करेक्शन दिखाई है, -8.10 रुपीस हुआ है। तो बात करते हैं इस शेयर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। तो इस कंपनी ने 0.02 रुपीस का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है, और इसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होने वाला 11th of October 2024 है। अगला शेयर है, शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर प्राइस 2740 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी ने 1.17% की करेक्शन दिखाई है, -32.35 रुपीज हुआ है। तो इस कंपनी ने बोनस इश्यू कर दिया है 1:1 का, और इसका भी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अपकमिंग है। अगर आपको इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट जानना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा विद एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। बात करते हैं दूसरी चीज की। आपको हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल्स और स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगला शेयर है टाटा स्टील लिमिटेड। शेयर प्राइस 164.08 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी ने 1.60% की करेक्शन दिया है, -2.67 रुपीज हुआ है। तो इस शेयर को ईटी नाउ जो की जाना माना ब्रोकरेज फॉर्म है और टेक्निकल एनालिस्ट है, बुलिशनेस दिखाते हैं। बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया, टारगेट दिया 185 का, 170 से लेके 185 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस समझ सकते हैं 164 का। अगला शेयर है टाटा पावर लिमिटेड। शेयर प्राइस है 440.55 रुपीज पर शेयर। ये शेयर अभी बढ़िया करेक्शन दिखा रहा है, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वाला आने वाले टाइम में ये शेयर 500 तक जाएगा। तो इस कंपनी ने 5.59% की करेक्शन दिखाई है, -26.10 रुपीज हुआ है। तो इस शेयर पे 89 ने वापस बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रिकमेंडेशन दिया, टारगेट प्राइस दिया है 530 का। अगला शेयर है टाटा मोटर्स लिमिटेड। शेयर प्राइस है 928.30 रुपीज पर शेयर। इस कंपनी ने 0.26% की करेक्शन दिखाई है, -2.45 रुपीज हुआ है। तो टाटा मोटर्स पे डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये एक डिक्लाइन जाने वाला है, डिक्लाइन रिसेंट सेशन दे रहा है, बिलो 200 डीएमए पे ओवरऑल। तो जो चार्ट इंडिकेट कर रहा है साइडवेज या फिर बेरिश रहेगा, इन दोनों के बीच में रहने वाला टाटा मोटर। सो आप जिसको बाइंग करना है तो वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये शेयर गिरने गिरेगा या फिर साइडवेज।